मैं गवर्नमेंट ऑफिसर में था, मैं उस चैलेंज के साथ आया है कि अपना यहाँ का लोग का दुख दर्द को समझने के लिए कोशिश करेगा बोल के अपना लाइफ को सेक्रीफाई करके आया, और आगे भी एमएलए जीतेगा तो हम जरूर काम करेगा, अदरवाइज यहाँ हम क्या करने के लिए आए। 15 साल में ये अभी रोड को देखिए ना, यहाँ का लाइफ को देखिए ना, 15 साल इज इनफ। कैसा फील हो रहा है दो बार दूसरे बार इलेक्ट होने के लिए बीजेपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इस कमिंग? देखिए, ये मैं फील करने से बात नहीं बनता है, ये एक रेस्पॉन्सिबल वाला बात है। लास्ट 3 ईयर्स में मैंने जो कार्य हमारा एक कार्यकर्ता बंधु के हिसाब से मैं इस कमी में काम किया, तो अपना पीरा मांगे जो ने एक मेरे ऊपर में विश्वास है इसलिए दोबारा अपॉइंटमेंट किया है। मैं उनको इस माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं इस कमी की कार्यकर्ता का तौर पे और हमारे एक कार्यकर्ता का जितना भी इस कमिंग के कार्यकर्ता का हिसाब से मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक थॉट दिया है, दोबारा जब हमको ऐसे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रेस्पॉन्सिबल दिया है, क्योंकि आने वाले चुनाव में उनका ऊपर में साइड मेरे इतना भरोसा है कि दोबारा इन एलिंग तालंग को जब अपॉइंटमेंट देगा तो आने वाला चुनाव हमारे इस कमी में 4 विधायक हैं, तो हमें कोशिश करना होगा, हमारे पार्टी को आगे बढ़ाना होगा, तो इसलिए मेरे को अपॉइंटमेंट दिया, उनको मैं थैंक यू देना चाहूँगा। सर, जैसे कि हमने सुना आपके स्पीच में कि आप इस बार फिर से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं भाजपा से, इस बार आपका रणनीति क्या होगा, क्योंकि आप पहले ही एक्सपीरियंस कर चुके हैं 2009 में, तो क्या रणनीति रहेगा आगे? देखिए, मैं लास्ट वेबिन इन 2019 में मैं ऐसे बीजेपी पार्टी में नहीं था, बट ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि बीजेपी पार्टी में जो हमें एक टिकट यहाँ तेनीसपा में भेजा, आई एम रियली सॉरी कि ये कहते हुए मैं लास्ट 29 वोट से हार गया, बट पार्टी की एक कार्यकर्ता बन के लास्ट 3 ईयर्स में मैंने कोशिश किया, तो पार्टी का जो नेम नीति है, डिसिप्लिन है, वो आगे हम जरूर कोशिश करेगा, और आने वाला 2024 में मैं जरूर इलेक्शन लड़ेगा, एक भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व में हम कोशिश करेगा, और उन मैं आगे भी बोला विश्वास है कि एक कार्यकर्ता बंधु का नाते मैं तेनीसपा में कार्यकर्ता बन के MLA लड़ेगा सोचता है, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं हमेशा अपना मीडिया के सामने में बोला कि अपना यहाँ का जो विधायक है वो अपना NPP से हैं, बच्चे वो आज जो 15 साल हो गए, मैं ये बात रिपीटेडली बोलना चाहूँगा कि 15 साल इज़ इनफ। तो 15 साल जो है किस लिए इनफ बोलने से, यहाँ पे विकास के तौर पे देखें तो 15 साल डेवलपमेंट करने के लिए आई थिंक सफिशिएंट है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि युवा नेता बन के हमारे ईस्ट कमिंग का फेस ऑफ ईस्ट कमिंग जो हेडक्वार्टर हैं उनको मैं चलाने के लिए, मतलब उनका ग्रीवेंसेस को लेके आगे फ्लोरिंडा हाउस में लेके जाने के लिए मैं कोशिश किया था और आगे भी जाके करेगा बोल के सोचता है। जब आप पहले इलेक्शन लड़े थे तो कुछ कार्यकर्ता बहक गए थे, तो इस बार बहक तो नहीं जाएंगे? मैं अपना कार्यकर्ता को फुल भरोसा है, लास्ट टाइम मैं कार्यकर्ता बन के नहीं लड़ा, मैं कार्यकर्ता पार्टी में नहीं था, मैं गवर्नमेंट बाउंडेड लेबर ऑफिसर में था, मैं आके यहाँ पे कार्यकर्ता किस तरह से होता है मेरे को पता नहीं था, बट 3 साल में अपना कार्यकर्ता को मैं पूरा भरोसा है इस बार बहकना नहीं चाहिए। तो अब जो आपके ओपोनेंट होंगे ये कमिंग इलेक्शन, उसके लिए कुछ देखिए कमिंग दिस इज द डेमोक्रेसी ना, मैं उनके लिए क्या बोलूँ, वही जानता है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा वो जानता है, और पब्लिक वीकनेसेस, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि 15 साल जो है मजाक नहीं है, तो हमारा यहाँ का कार्यकर्ता लोग और यहाँ का जनता लोग, हमारे ईस्ट कमिंग का जितना युवा फ्री लोग है उनके लिए सोचना होगा, उनके लिए करना होगा, तो अगर उस भरोसा का साथ में होता है तो हम जरूर आगे जाके अपना युवा नेता बन के अपना लोग का ग्रीवेंसेस को, अपना लोग का यहाँ का लोग का विश्वास का साथ में हम आगे इलेक्शन लड़ेगा बोल कर सोचता है। जैसे कि पब्लिक का कहना है कि जो MLA का भाषण हमेशा देता है कि काम करेगा, लेकिन जितने का बात काम नहीं करता है, पब्लिक का कहना है, जैसे कि आपने कहा है कि टाकू टाकू से 15 ईयर्स जो टाउन MLA का
एज ए टाउन एमएलए बेटा लेकिन उसने काम नहीं किया। कल तो आप जितना बोलने से पब्लिक ग्रीवेंसेस को 100% काम करने की कोशिश करेंगे सर? देखिए, मैं अपना ज़िंदगी को मैंने जी के आया, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर में था, अदरवाइज अपना ज़िंदगी को जीने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर भी काफ़ी था ज़िंदगी जीने के लिए। मैं उस चैलेंज के साथ आया है कि अपना यहाँ का लोग का दुख दर्द को समझने के लिए कोशिश करेगा बोल के अपना लाइफ को सेक्रीफाई करके आया, और आगे भी एमएलए जीतेगा तो हम जरूर काम करेगा, अदरवाइज यहाँ हम क्या करने के लिए आएगा। लोग यहाँ पे बोलता है इस कमिंग ठीक नहीं है, हेडक्वार्टर ठीक नहीं है, मैं भी सुन सुन के ये बैठा है, लेकिन अंदर का जो है युवा पीढ़ी को देख के हमने ऐसे कोशिश किया, लाइफ का अपना लाइफ को सेक्रीफाई करके आया है, हम जरूर काम करेगा। ये बात मैं आपका ये माध्यम से अभी भी मैं वादा करता हूँ कि यहाँ का लोग का युवा नेता का हिसाब से हम काम करेगा, युवा पीढ़ी के लिए हम काम करेगा। 15 साल में ये अभी रोड को देखिए ना, यहाँ का लाइफ को देखिए ना, ये तो पब्लिक वीकनेसेस है। इसलिए मैं अपना बड़ा भाई तापू ताकू जी को मैं कहना चाहूँगा, 15 साल इज इनफ। 15 साल में आपने क्या काम किया? अभी भी बोलता है को रुको रुको, कल देखेगा, परसों देखेगा, कितना लोगों को देखेगा? किसी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली मर्डर करना तो ठीक बात नहीं है ना। आजकल तो देखो प्रैक्टिकल लाइफ है, बोलने से नहीं होता है, आपको काम करना पड़ेगा, लोग का सामने में उसको काम करते हुए नज़र दिखाना पड़ेगा। विकास के तौर पर जो अभी इस कमी में जो चल रहा है ना, हेडक्वार्टर जो बहुत बड़ा बात है, हेडक्वार्टर में इस तरह से अगर सोच विचार मतलब रखेगा तो अब क्या हमारा युवा नेता लोग यहाँ का युवा पीढ़ी लोग क्या काम करेगा? हैं, आप सोचिए, आप लोग वीकनेसेस है, आप लोग उसको जाके पूछिए ना क्यों काम नहीं कर रहा है, कितना पब्लिक को मामू बनाएगा। मैं बार बार बोलता हूँ ये, मैं उनको समझना होगा। अभी जो है 15 साल में बच्चा बड़ा हो जाता है, 15 साल जो जिसका 15 साल होता है वो बुरा हो जाता है। देखिए आप लोग ये बात को समझना होगा, टू बी फ्रेंक आप लोग समझना होगा, यहाँ का लोग समझना होगा। और भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा काम कर रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे इस कमिंग का हेडक्वार्टर में इस बार समर्थन दे। मैं आप सबका मतलब सेवा करने के लिए 24/7 काम करने के लिए मैं कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।